राम टूर देख रहे हैं। अभ्यर्थी का आरोप देखिए और लगातार ये कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का हर वर्डिक्ट भी दिखाया जा रहा है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का क्या मानक है और बिहार में जो शिक्षक भर्ती की जा रही है उसका मानक क्या है। एक एक बिंदु को देखिएगा और मैं बता दूं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उस पर मिलेगा। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है इसको आपको जानना चाहिए। वैसे विद्यार्थी जो ये सोचते हैं कि एकाध अंकों से मैं छट गया तो मेरे में कमी है और फिर से तैयारी में लग जाते हैं, उनकी कमी नहीं है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय से नहीं हो पाना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से नहीं करा पाना, डॉक्यूमेंट की जांच पहले नहीं कर पाना, ये सारी कमियां हैं, न कि आपकी कमियां हैं। तो इसलिए आप पुरजोर आवाज उठाएं ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शिक्षा विभाग ही करे तो क्या है, लेकिन अच्छा तरीका से करे। बहुत सारे विद्यार्थी ये भी कहेंगे कि अब बीपीएससी ये भी बोल रही है कि शिक्षा विभाग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेगी उसके बाद ज्वाइनिंग कराएगी, ये बात सत्य है। ये तो टीआरई वन में भी हुआ, टीआरई टू में भी हुआ, लेकिन उस तरीका से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ जिस तरीका से अन्य एग्जाम में कराया जाता है। अन्य आयोग जो कराती है वो चाहे बिहार बीपीएससी आयोग हो या बीएसएससी आयोग हो या कोई भी आयोग हो, उस तरीका से नहीं होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका आवासीय फर्जी होता है फिर भी वह शिक्षक बन जाते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका डॉक्यूमेंट में पीजी का डिग्री फर्जी होता है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका विश्वविद्यालय का डिग्री फर्जी होता है फिर भी वह शिक्षक बन जाते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो पीजी डीसीए का डिग्री खरीद के कंप्यूटर के शिक्षक बने हुए हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास यूनिवर्सिटी में यानी कि बीएड या डीएलएड का भी डिग्री खरीद के अभी शिक्षक बने हुए हैं। तो इस तरीका से यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट का जो मानक है उस पर किया जाए तो लगभग 10 से 15 हजार विद्यार्थी को बेनिफिट मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का क्या मानक है इसको ध्यान से समझेंगे और देखेंगे। ये मेरा नहीं, ये लगातार जो निकल रहा है उस पर मैं बात कर रहा हूं। देखिए, कहा सुप्रीम कोर्ट का आदेश रिजल्ट से पहले हो डॉक्यूमेंट की जांच। अभ्यर्थी का कहना है कि बिहार में नियुक्ति प्रक्रिया में तमाम नियमों को अनदेखी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के 2019 में आदेश जारी किया। क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश? महाराष्ट्र सरकार के लेकर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश होता है तो वो सब देश के सभी स्टेट में लागू होता है, देश के हर एक जगह पर लागू होता है, इस बात को आपको जानना चाहिए। आगे देखिए क्या है सुप्रीम कोर्ट का, कब यह विवाद छिड़ा था इसको मैं थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2019 में आदेश जारी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया रिजल्ट से पहले पूरी की जानी चाहिए। यदि किसी उम्मीदवार के दस्तावेज में त्रुटि मिलती है तो उसका रिजल्ट रोका जा सकता है या उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है। फिर भी बिहार लोक सेवा आयोग व शिक्षा विभाग ने मनमाने तरीके से बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिजल्ट जारी कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि टीआरई वन और टीआरई टू में बड़ी संख्या में फर्जी और आयोग अभ्यर्थी बहाल हो गए। तो देखिए उनका क्या कहना है और आपके यहां क्या हो रहा है इस पर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। अब देखिएगा सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि यदि किसी विद्यार्थी का डॉक्यूमेंट फर्जी है या डॉक्यूमेंट उसका अयोग्य है या डॉक्यूमेंट उनका अधूरा है तो उनको उनका रिजल्ट रोका जाए, उनको अयोग्य घोषित किया जाए, उनको रिजल्ट में शामिल नहीं किया जाए, दूसरे विद्यार्थी को मौका मिले। इस तरीका से यदि आप देखिएगा तो अभी आए दिन लगातार पेपर में दिया जा रहा है कि टीआरई वन हो या टीआरई टू हो या सक्षमता एग्जाम हो, इसमें इतने फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं और वो फर्जी शिक्षक इस मामले में पकड़े जा रहे हैं। किन्हीं का सीटेट का अधूरा है तो किन्हीं का एस्टेट का अधूरा है तो किन्हीं का डीएलएड का डिग्री फर्जी है, किन्हीं का बीएड का डिग्री फर्जी है, तो कोई कोई तो ऐसे शिक्षक मिल रहे हैं कि एक ही डीएलएड के डिग्री पर कई सारे शिक्षक बहाल हो गए, एक ही बीएड के डिग्री पर कई सारे लोग बहाल हो गए, एक ही सीटेट पास के कई सारे लोग बहाल हो गए। ये मेरा नहीं, आप भी जानते हैं, सब लोग भी जानते हैं। तो एक तरफ से आप लोग आवाज उठाइए, एक तरीका से ये डिमांड रखिए कि कम से कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले कराया जाए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर 2019 में जो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और सुप्रीम कोर्ट का जो विवाद था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि आपको डॉक्यूमेंट पहले जांच करने चाहिए। इसका कई एक लाभ है, यदि डॉक्यूमेंट पहले जांच होता है रिजल्ट से तो इससे जो कम अंक वाले विद्यार्थी हैं जिनका एक अंक से छूट गया, जिनका अब मान लीजिए आप जरा सोचिए, वैसे भी विद्यार्थी होंगे जिनका लास्ट एज होगा, वैसे भी विद्यार्थी होंगे जो एससी एसटी से होंगे और उनका अंतिम एज होगा, या जो ईबीसी वाले होंगे या जो ओबीसी वाले होंगे या जो बीसी वाले होंगे या जो ईडब्ल्यूएस वाले होंगे या जो महिला होंगे या जो दिव्यांग होंगे, उनको अपना लाभ तो मिला नहीं, रिजल्ट बन गया कहीं और वो बाहर हो गए। तो इस तरीका से आप प्रयास करें, अभी चुनाव है 2025 में, तो इसको लेकर तमाम विद्यार्थी यदि एकजुट होते हैं,
अपने आवाज को बुलंद करते हैं तो जरूर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छा प्रोसेस से हो पाएगा। यही आवाज उठाते उठाते आप देखे होइएगा, पहले शिक्षक बाहर नहीं होते थे, कई सारे शिक्षक बाहर हो गए। कई सारे ऐसे मेरे मित्र हैं जो TRE2 में बहाल हुए हैं, जब मैं आवाज नहीं उठाता था उस समय मेरे से बहुत बात करते थे, लेकिन अब उनको लगता है कि ये खिलाफ आवाज उठाता है। खिलाफ मैं किसी का नहीं हूं, मैं बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि बिहार में अच्छे शिक्षकों की बहाली हो। मैं ये जरूर प्रयास कर रहा हूं कि जो जिनका हक है उनको वह हक मिलना चाहिए। जो उचित में शिक्षक बनने लायक योग्यता और शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता है वही शिक्षक बने, दूसरा कोई नहीं बने। आप भी देखे होगा, पहले नेशनल मीडिया इस पर आवाज नहीं उठाती थी, पहले बड़े बड़े यूट्यूब पर इस पर वीडियो नहीं बनता था, पहले बहुत सारे लोग इस पर खुलकर नहीं बोलते थे। लेकिन मैं इसको शुरुआती दौर से जो फर्जी शिक्षक है उन पर मैंने आवाज उठाना शुरू किया। और अभी तो समस्या यह है कि यूपी में विद्यार्थी जो DLED किए हैं वह यूपी के निवासी हैं, तो वो बिहार के निवासी कैसे बन गए, इस पर भी जांच बहुत जल्द हो देखने को आपको मिलेगा। तो ऐसे विद्यार्थी जो इस तरीके से डिग्री वाले हैं वह सजग हो जाए, उनको आज नहीं कल तो बाहर होना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का यही आदेश था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, आपको भी जानना चाहिए। मैं इस आदेश को यहाँ पे चिपका दूंगा। आप भी देखिए, थोड़ा सा समस्या है, मैं घर पर हूं जिसके कारण से आपको समय से मतलब वीडियो नहीं दे पा रहा हूं। बहुत जल्द आपको पुनः उसी रफ्तार में वीडियो मिलेगा और आपकी आवाज उसी मुशक्कत से उठाया जाएगा। बस आप मेरे सहयोग में यही करें, एग्जाम डोर को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें और आप जरूर लोगों से बताएं कि आपकी कमी के कारण नहीं आपका रिजल्ट रुक रहा है। आपके आयोग का जो प्रक्रिया है, आप शिक्षा विभाग का जो रवैया है, सरकार का जो रवैया है, उसके कारण से आप प्रभावित है, न कि आप अपने पढ़ाई के कारण से प्रभावित।